आज का आपका टॉपिक रहेगा एप्पल स्कैब। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्कैब है क्या। एप्पल की स्कैब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि स्कैब क्या होता है, किस तरह से नुकसान पहुंचेगा, उसका डिटेल स्टडी अपने करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्कैब होता क्या है। तो स्कैब के अंदर क्या होता है, स्कैब का जैसे सिम्टम है वो मेनली जैसे फ्रूट पार्ट पे, लीव्स पे, इन पे दिखता है, बट मेनली फ्रूट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो फ्रूट को जैसे अफेक्ट कर देगा ये, तो इससे क्या होगा कि मतलब जो फ्रूट है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो पूरी तरह डाउन हो जाती है। जो अफेक्टेड जो फ्रूट होता है उसको लेना कोई भी पसंद नहीं करता है और फ्रूट है वो काफ़ी हद तक डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एप्पल स्कैब में सिम्टम किस तरह के बनते हैं। तो स्कैब में क्या होता है कि एक जैसे फ्रूट है, तो इस तरह का जैसे ये फ्रूट रहता है, तो इसके ऊपर क्या रहता है, एक क्रस्टी सी अपीयरेंस आ जाती है, एक पपड़ी नुमा संरचना सी ऐसे बन जाती है। ठीक है, फंगस होती है, फंगस जैसे अटैक करेगी तो अटैक करने के बाद में क्या होगा कि वहाँ पे जिस पोर्शन पे जैसे अटैक हुआ है वहाँ पे एक क्रस्टी अपीयरेंस आ जाती है, मतलब एक पपड़ी सी जम जाती है। और जो इसका जो सिम्टम रहता है वो मतलब कि जैसे फंगस है तो वो मतलब कि सनकन इसका स्पॉट बनता है। सनकन स्पॉट मतलब जो इंटरनल जो पार्ट होता है उसमें भी वो धंसा हुआ रहता है, इंटरनल पार्ट को भी पूरी तरह से खराब कर देता है इस तरह से। तो ये इसका मेनली सिम्टम रहता है स्कैब का। अब इससे आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा रहेगा, वेंचुरिया इनइक्विलिस। तो वेंचुरिया इनइक्विलिस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजन है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछेंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं कि इस डिजीज को कहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। तो स्वीडन में रिपोर्ट किया गया था 1819 में। और लगभग जैसे इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये कहाँ पे डिजीज होती है, जो ठंडे इलाके, आपको पता है कि एप्पल तो वहीं लगता है जो ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे जैसे इलाके हैं, हिमाचल हो गया और जैसे शिमला हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसकी खेती की जाती है एप्पल की। तो वहाँ जो ये डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा लॉस करती है एप्पल के पूरे पूरे बाग जो रहते हैं उनमें बहुत ज़्यादा नुकसान इससे पहुँच जाता है। तो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है, मतलब अपने एरिया में तो नहीं लगता है एप्पल, लेकिन जो इंडिया में जैसे ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे एप्पल लगाए जाते हैं तो काफ़ी हद तक इस क्रॉप को नुकसान पहुँचता है इस डिजीज से। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके सिम्टम। तो अगर इसके सिम्टम की बात करें तो इसके सिम्टम कहाँ कहाँ दिखते हैं, सबसे पहले वो देखिए। तो लीव्स और फ्रूट्स पे इसके सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले क्या होता है, जैसे लोअर साइड ऑफ द लीफ है, मतलब पत्ती की जैसे निचली जो सतह है, इस तरह से जैसे कोई पत्ती है तो पत्ती की जो निचली सतह होती है वहाँ पे क्या होता है कि एक स्पॉट पड़ जाता है, लीजन पड़ेगा, स्पॉट पड़ेगा। तो स्पॉट से क्या होगा कि मतलब कि वो स्पॉट किस तरह से रहेगा, डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है, मतलब ब्राउनिश कलर उसका होगा, भूरे रंग का, या फिर ब्लैक कलर का भी हो सकता है। और लेटर मतलब वो लेटर स्टेज में क्या होता है, ऐसे वेलवेटी सा हो जाता है, मतलब कि ऐसे सॉफ्ट सा वेलवेटी सा हो जाता है। वेलवेट अपने देखते हैं कैसे मतलब एकदम सॉफ्ट सा होता है, सेम उसी तरह पे इसका जो सिम्टम है वो बनता है। नेक्स्ट देखिए कि यंग फोलिएज जैसे रहते हैं, मतलब जो न्यू पत्तियां जैसे रहेगी उसके ऊपर क्या होता है, जो स्पॉट पड़ेगा वो क्या रहेगा, रेडिएटिंग उसकी अपेयरेंस होती है विद फेदरी एजेस, मतलब कि जैसे फेदर से नहीं होते, तो सेम उसी तरह से इसकी ऐसे स्पॉट मतलब पड़ेगा, तो फंगस की जैसे ग्रोथ हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, ऐसे फेदर से जैसे नहीं बनते उस तरह की इसमें स्ट्रक्चर बनती है। नेक्स्ट देखिए, ओल्डर लीव्स द लीजन्स आर मोर डिफाइनाइट इन आउटलाइन, मतलब कि जो मतलब ओल्डर जो लीफ होती है, मतलब कि जो पुरानी पत्तियां होती है उसके ऊपर जैसे लीजन पड़ता है, तो लीजन मतलब कि इस तरह से पड़ेगा, उसकी जो आउटलाइन एक बन जाती है, जैसे मतलब इस तरह से उसकी एक आउटलाइन बन जाती है, तो उससे काफ़ी मतलब कि धीरे धीरे जो स्पॉट है वो उसका साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन सीवियर इन्फेक्शन लीफ ब्लेड कर्व्ड, जो लीफ ब्लेड होती है वो पूरी तरह से मुड़ जाती है और जो पत्तियां हैं वो ड्वार्फ्ड रह जाती है, मतलब कि छोटी रह जाती है, बोनी रह जाएगी और डिस्टोर्टेड हो जाती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है। फ्रूट्स के अंदर देखिए किस तरह से दिखेगा कि स्मॉल रफ और ब्लैक सर्कुलर लीजन इसके अंदर पड़ता है, मतलब कि छोटा होगा, रफ होता है एकदम, जो सरफेस इसकी रहती है वो हाथ लगाने पर स्मूथ नहीं दिखेगी आपको, क्रस्टी अपीयरेंस उससे आती है, रफ सरफेस बन
जाती है और सर्कुलर लीजन बनता है, मतलब कि गोलाकार। ये देखिए आप इस इमेज से भी समझ सकते हो कि इस तरह से इसमें स्पॉट पड़ते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, स्कैब बोला जाता है। और द सेंटर ऑफ द स्पॉट बिकम कोर्की, मतलब कि जो उसका सेंटर जो पोर्शन रहता है वो बिल्कुल ऐसे कोर्की सा हो जाता है। और मैच्योर फ्रूट येलो हेलो इज सीन अराउंड द लीजन, मतलब कि मैच्योर जैसे फ्रूट रहते हैं तो उसके जो लीजन पड़ता है, मतलब जो धब्बा पड़ेगा, वो चारों तरफ से एक येलो हेलो से भी घिरा रहता है, मतलब येलो कलर का उसके ऊपर चारों तरफ उस स्पॉट के येलो कलर का घेरा भी रहता है। तो ये इसका इसके रहते हैं मेनली स्कैब के सिम्टम्स। नेक्स्ट देखते हैं इसके पैथोजन की अगर बात करें तो पता है आपको कि वेंचुरिया इनइक्विलिश रहता है, वो इसका जो माइसीलियम है वो इंटरनल होता है, मतलब कि प्लांट के जो इंटरनल जैसे पार्ट्स रहते हैं उन पे भी ये पूरी तरह से फैल जाता है और वहाँ पे नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, उसको ख़राब कर देगा। नेक्स्ट देखिए जो एस्कोस्पोर जैसे बनते हैं इसके अंदर, तो वो कैसे रहेंगे, टू सेल्ड रहते हैं, मतलब कि डबल सेल उसके अंदर रहती है। तो जैसे इनइक्विलिश से आप देखिए, इनइक्विलिश से भी आप समझ सकते हो इनइक्विलिश, मतलब कि इक्वल नहीं होते उसमें दो, जो उसके अंदर यहाँ पे देख लिया आपने कि दो सेल बनेगी और जो दोनों की दोनों सेल होती है वो इक्वल नहीं रहती है, इसी वजह से इसका नाम रख दिया इनइक्विलिश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ग्रे और येलो इन कलर फॉर्म्ड इन पेरिथीशिया, मतलब कि जो एस्कोस्पोर है आपको पता है कि सेक्सुअल स्पोर है और बनेंगे किसमें, इस तरह की एक फ्लास्क नुमा स्ट्रक्चर बनती है तो इसके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, एस्कोस्पोर का। इस तरह से उसके अंदर ऐसा ही बनेगी जिसके अंदर की एस्कोस्पोर बनेंगे और वो किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर के हो सकते हैं या फिर येलो कलर के हो सकते हैं, पेरिथीशिया के अंदर बनेंगे। और एसेक्सुअल स्पोर इसमें कौन सा रहता है, कोनिडिया रहता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना आपकी जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो मेनली किसके थ्रू होगा, एस्कोस्पोर से, और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू इसका इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एसेक्सुअल स्पोर कौन से रहेंगे, कोनिडिया बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और सेकेंडरी स्प्रेड आउट इसका किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के थ्रू होगा। अब देखिए मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब कि कैसे फैलेगी ये, मतलब किस तरह से इससे नुकसान पहुंचता है वो अपने देखते हैं। तो पेरिथीशिया ऑटम और जैसे विंटर सीजन जैसे रहता है तो उसमें पूरी तरह से मैच्योर रहता है। ठीक है, और इन स्प्रिंग सीजन जैसे मतलब आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि एस्कोस्पोर का प्रोडक्शन होगा, मतलब कि एस्कोस्पोर बन जाते हैं जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करेंगे। जो एस्कोस्पोर बनेंगे कहाँ पे, जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज जैसे रहते हैं उसके ऊपर ये रहते हैं और वो क्या करते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन का काम करेंगे। और सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन करेगा, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिजीज जैसे आ गई है एक प्लांट में, तो दूसरे प्लांट में जैसे स्प्रेड आउट होने के लिए कौन सा स्पोर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कोनिडिया रहेगा। ठीक है, जो या तो हवा के द्वारा या फिर बारिश के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाता है। नेक्स्ट अगर अपने इसकी बात करें डिजीज साइकिल की, तो इसका डिजीज साइकिल भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे दोनों का याद रखना, एक तो आप याद रखना कि इसमें एस्कोस्पोर बनेगा, एस्कोमाइसिटिस क्लास की फंगस है, एस्कोस्पोर बनेगा। ठीक है, तो एस्कोस्पोर अगर बनेगा तो सेक्सुअल स्पोर रहेगा। ठीक है, और कोनिडिया आपको पता है, पढ़ते आ रहे हो, ए सेक्सुअल स्पोर है, तो इन्फेक्शन किससे होगा, दोनों से ही होगा। पहले सेक्सुअल स्पोर रिस्पॉन्सिबल होगा और सेकेंडरी स्प्रेड में क्या काम आएगा, एसेक्सुअल स्पोर, कौन सा, कोनिडिया। तो यहाँ से देखिए जैसे मतलब कि फंगस है वो ओवर विंटर किसके अंदर रहती है, इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज जो रहते हैं, इस तरह से जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज है वो ग्राउंड पे पड़ जाते हैं, मतलब कि ऐसे जमीन पे पड़ जाएंगे तो वो मतलब कि पड़े रहते हैं जमीन में, तो उससे क्या है, इसके ऊपर जैसे फंगस लगी हुई थी तो वो क्या करती है कि सर्वाइव करती रहती है जमीन के अंदर, सोइल में सर्वाइव करती रहेगी। नेक्स्ट देखिए उसके अंदर क्या बनेगा, पेरिथीशिया का फॉर्मेशन होगा, फंगस फॉर्म रूटिंग बॉडीज शूडोथीशिया या फिर पेरिथीशिया ड्यूरिंग विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। अर्ली स्प्रिंग जैसे सीजन आ जाता है या फिर विंटर सीजन में इस तरह से फंगस है वो अपनी स्ट्रक्चर बना देती है जिसको अपने क्या बोलते हैं, पेरिथीशिया। और इसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर, ये जो बने हुए हैं एसआई है, पूरे एसआई के अंदर एस्कोस्पोर बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि एस्कोस्पोर फॉर्म विद इन सेक्स, मतलब कि जो एसआई रहती है उसके ये जो आउटर जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एसआई, जिसके अंदर क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं। और एस्कोस्पोर का नंबर कितना होता है, आठ होता है, आठ एस्कोस्पोर बनते हैं एक एसआई के अंदर। तो
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे सीजन आता है तो उसके अंदर क्या होगा कि फट के ये जो आउटर जो लेयर है इसकी वो फट जाती है और एस्कोस को रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद में क्या होगा कि जो अपना प्लांट है उसको ये इन्फेक्टेड कर देते हैं, प्लांट को पूरी तरह से खराब कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, इन्फेक्टेड प्लांट मतलब जैसे रहेगा उसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होगा कि प्लांट है उसमें जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर क्या बनता है, उसमें कोनिडिया बनेगा। अब कोनिडिया किस तरह से बनेगा, इस तरह से आप देख सकते हो कि कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, जो कि किस में काम आते हैं, सेकेंडरी स्प्रेड आउट होने में काम आते हैं। मतलब एक प्लांट पे आ गई डिजीज, उसके बाद में सेकेंडरी स्प्रेड मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में डिजीज फैलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कोनिडिया। तो नेक्स्ट देखिए, इस तरह से सिम्टम बन जाएंगे। और जैसे इन्फेक्टेड जो डिब्रीज है, इन्फेक्टेड जो प्लांट के पार्ट होते हैं तो वो जमीन में ऐसे गिर जाते हैं, और इस तरह से ये जो डिजीज साइकिल है वो चलता रहता है। बिल्कुल सिंपल है, दो चीज का ध्यान रखना, कोनिडिया का और एस्कोस्पोर का, सिंपल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखते हैं। हाँ, एक चीज आप और भी देखें, इनइक्विलिस आपको बताया था कि क्या होता है, तो इसमें जैसे एस्कोस्पोर बनता है, यहाँ पे देख सकते हो कि बाईसेल रहता है, मतलब कि दो सेल उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, तो एक छोटी रहती है एक बड़ी रहती है, मतलब उसका जो साइज है वो सिमिलर नहीं होता है, इसीलिए इनइक्विलिस बोल दिया, मतलब इक्वल नहीं होती है, इसी वजह से इनइक्विलिस बोला है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें, मतलब डिजीज साइकिल अपने पढ़ लिया इसका, तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो किस तरह से इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। फर्स्ट तो आपको पता है जो इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज जैसे रहते हैं तो उसके ऊपर जो फंगस है वो सरवाइव करती रहती है, तो फील्ड के अंदर से पूरा क्लीन कल्टीवेशन करना चाहिए। मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट के पार्ट है उनको पूरी तरह से फील्ड में से खत्म कर देना चाहिए। अगर वो वहां पे रहेंगे फील्ड में तो इससे आगे से आगे इन्फेक्शन है वो बढ़ता जाएगा और पूरी अपनी क्रॉप है वो बर्बाद हो सकती है। तो प्लांट डिब्रीज को क्या करना चाहिए कि पूरा कलेक्ट करके और उनका डिस्ट्रक्शन कर देना चाहिए, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए कि यूज रेजिस्टेंट वेरायटी। तो रेजिस्टेंट वेरायटी कुछ है, जैसे एमाइरा हो गया, रेड फेस हो गया, एम्ब्रोयल हो गया, एम्ब्रिज हो गया, एम्ब्रेड हो गया, तो ये कुछ रेजिस्टेंट वेरायटी है, इनको याद रख लेना, एक दो को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल जैसे कैप्टन 0.2% डोडीन, ये बेस्ट केमिकल है दोनों ही इसके लिए, तो इसको यूज करना चाहिए। मतलब कि एक शॉर्ट इंटरवल के बाद में अगर डिजीज जैसे ज्यादा आ रही है तो इनका आप फील्ड में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ट्राइडेमोट 0.1% बिफोर फ्लोरिंग, मतलब फ्लोरिंग से पहले ट्राइडेमोट का भी छिड़काव करना चाहिए, जिससे जो डिजीज है उससे बचाया जा सकता है, या फिर मैनकोजेब 0.25%। तो जैसे मतलब फ्रूट जैसे बनने लग जाते हैं तो उस टाइम में भी मैनकोजेब का जैसे स्प्रे करना चाहिए, तो उससे काफी हद तक जो फ्रूट को जैसे नुकसान पहुंचता है फंगस के द्वारा तो उससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे खत्म होती है आपकी एप्पल स्कैब डिजीज। थैंक यू वेरी मच।